हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की टोमेटो की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें बहुत कुछ ख़ास है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ वाले बेल आइकन भी। अब आपने क्या करना है कि आपने एक तवा लेना है और उसमें इस तरह आपने 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के या बड़े साइज़ के आपने इस तरह रखना है और इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम में और इतना कुक कर लें कि इसके जो छिलके हैं वो आसानी से रिमूव हो जाएं। हर तरफ से अच्छी तरीके से कुक कर लें, ये देखें। और अब इसे आप प्लेट में निकाल लें। मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ पहले, ये देखें। अब इसे आपने इसे पील ऑफ करना है, ये देखें कितनी आसानी से इसके जो पील्स हैं वो रिमूव हो जा रहे हैं। बहुत गर्म है, आप ध्यान से कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो लाजमी कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो मुझे शॉर्ट आउट का कह रहे थे, तो बस आज से शॉर्ट आउट जो है वो हर वीडियोज़ में होंगी इंशाल्लाह ताला अज़ीम। तो जिन लोगों को शॉर्ट आउट चाहिए उसके लिए सिंपल सी रूल यही है कि आपने इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने फीडबैक्स देने हैं और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। बस यही सिंपल सा रूल है, आपने अच्छे अच्छे कमेंट करना है और मैं इंशाअल्लाह अज़ीम उनमें से कोई भी एक रैंडम यूट्यूबर को सिलेक्ट करूँगी और उस यूट्यूबर का जो लिंक होगा चैनल का वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज लिया है चॉप्ड और उसे इसमें डाल दिया है और 2 से 3 मिर्चें लें, उसे बारीक चॉप करके डालें। हसबे ज़रूरत नमक और आधे खाने की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें आप डाल दें। और इन सब को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। शॉर्ट आउट्स के लिए रूल्स बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो रूल फॉलो करेगा वही शॉर्ट आउट्स के हकदार होगा। सिंपल सिंपल रूल है, 5 सेकंड्स हैं आपके पास, जल्दी जल्दी जाएं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और बस इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसके बाद इसे आप इंजॉय करें। अगर आपने ये रेसिपी फर्स्ट टाइम देखी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फिर फीडबैक दें। और अगर आपको इस रेसिपी का पहले से आइडिया था तो फिर आप मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कितनी पसंद है। मज़ीद रेसिपी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अपना भी ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ फिर एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।